Hello, dear students. So my point is very clear today that why these all lessons, all units of English Kumar Bharti are so important. वो बहुत ज़्यादा important इसलिए है क्योंकि that is not only the study. I believe that is a life. No, we learn all the greatest human values of out of these lessons. So today we are going to see a wonderful comprehensive passage that is alchemy of nature. So what is an alchemy? Alchemy is the magical thing, the kind of a magic that transform things into a very wonderful things as such. Means बहुत ही आम चीजों को बहुत ही खास करने का काम जो करता है उसे एल्केमी कहा जाता है. सो देयर इज द मीनिंग गिवन ऑफ एल्केमी एट द एंड ऑफ द लेसन. दैट इज एल्केमी वाज एन एंशिएंट फोररनर ऑफ केमिस्ट्री. ही वाज अ फोररनर ऑफ केमिस्ट्री अबाउट अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट बेस मॉडल्स इनटू गोल्ड. जो बेस मॉडल्स थे उनको गोल्ड में कन्वर्ट करने का काम अब वो क्या करता था. इट इज क्वाइट मिस्टीरियस. इट इज क्वाइट मैजिकल प्रोसेस ऑफ transforming things. So what is an alchemy? Alchemy is a magical process of transforming things. So what is the alchemy of nature? That we are going to see in the five instances as such. You know, तो ये lesson शुरू करने से पहले ही हमें देखने मिलता है कि the great romantic poets, that is William Blake, ने एक बहुत ही खूबसूरत चीज यहाँ पर कही है. To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. So, यहाँ पर दो बातें दी गई हैं. एक बहुत ही छोटी बात है और एक बहुत ही huge, very colossal thing, you know. So, बहुत ही छोटी बात क्या है? The grain of sand. लेकिन इस grain of sand में आप पूरी दुनिया देख सकते हो. और एक छोटे से wild flower में आप heaven देख सकते हो. And also the infinity, no, infinity means, you know, which is boundless, limitless. जो भी boundless है, limitless है, अमर्याद है, उसको आप आपके palm of hand में देख सकते हैं. और जो बात eternal है, no, the kind of an eternity. Eternity means which breaks all the shackles of time. ऐसी eternity को आप आपके एक घंटे में, in an hour, you can hold it. तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज, बहुत ही रोमांटिक बात इन्होंने कही है विलियम ब्लेक ने इन वन ऑफ हिज पोएम्स. और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारी राइटर आज हमसे कह रही है दैट यस वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहांसिंग आवर वेल बीइंग. सो पूरी दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारा वेल बीइंग सबसे इम्पॉर्टेंट है. हमारा वेल बीइंग बोले तो हर कोई जो भी इस दुनिया में है वो हर कोई ये चाहता है कि मेरा भला हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, यू नो. तो बहुत बार हम जब हर चीज़ से परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, काम से थक जाते हैं, पढ़ाई से थक जाते हैं, एग्जाम से थक जाते हैं, हर उस चीज़ से जब हम थक जाते हैं तो जनरली वी try to go outdoor for the outdoor activities and very very specifically we try to go to the nature. हम nature में जाना पसंद करते हैं. इसीलिए आप को पता होगा कि लोग पर्यटन के लिए चले जाते हैं, नो, टूर्स पर चले जाते हैं. 8 दिन का टूर होता है, 21 दिन का टूर होता है, महीने भर का टूर होता है. तो छुट्टियों में जनरली टूर्स एंड ट्रेवल, ये जो है टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज पीपल नो द alchemy of nature. People know the great mysterious and magical power of nature of transforming things as such. आपके मूड को भी बदल देने की जो शक्ति होती है वो नेचर में होती है. इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ, अनदर ग्रेट रोमांटिक पोएट, भी ऐसा ही कहते हैं कि जब आपका मूड ठीक नहीं है तो आप नेचर में चले जाओ, गो बैक टू नेचर. और अगर आप नेचर में जाते हो तो इट हैपन्स नेचर मेक्स योर मूड गुड. नेचर इज सच अ वंडरफुल फ्रेश थिंग. ऐसे हमें बहुत मीन्स इन द समर सीजन पर्टिकुलरली व्हेन वी गेट टायर्ड ऑफ स्वेटिंग एंड ऑल द अदर थिंग्स एंड एज सून एज इट रेन्स, नो, वी फील फ्रेश.
सो नेचर हैज दैट पावर टू ट्रांसफॉर्म थिंग्स इन अ वेरी इमीडिएट मैनर, इन अ वेरी इमीडिएट इफेक्ट एज सच. तो यहाँ पर पांच चीजें दी गई हैं एंड दोज फाइव थिंग्स वी आर गोइंग टू सी. वन इज द हाइबिस्कस प्लांट, यू नो द हाइबिस्कस प्लांट इन, वो ऐसा कह रहे हैं कि वी हैव द हाइबिस्कस प्लांट इन आर गार्डन. एवरी फोर्टनाइट फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, बिग ब्राइट एंड टेंडर. थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड. सो हाइबिस्कस प्लांट नो, इसका जिक्र किया गया है. और इस हाइबिस्कस प्लांट में एक शक्ति मीन्स एक फूल उगता है जो बिग होता है, ब्राइट होता है और टेंडर भी होता है, यू नो. और ये फूल उगता है तो पूरे दिन भर में वो सूरज के साथ चमकता है और हवा के साथ झूलता है. इट शाइन्स विद द सन एंड इट डांसेस विद द विंड एज सच. लेकिन एज सुन एज द इवनिंग अप्रोचेस, एज सुन एज द इवनिंग अप्रोचेस, इट स्टार्ट्स विल्टिंग. ये सूखने लग जाता है, विल्ट होने लग जाता है. WILTING, विल्टिंग. इट स्टार्ट्स विल्टिंग द मॉर्निंग आफ्टर, इट विदर्स कंप्लीटली. और सुबह के बाद फिर वो दूसरे दिन की सुबह में पूरी तरीके से सूख जाता है, विदर हो जाता है. WITHER, तो पूरी तरीके से वो सूख जाता है. बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन. और शाम तक ये पूरी तरीके से जमीन में फिर से धस जाता है. अगेन जहां से वो उगता है वहीं पर फिर से चला जाता है. द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर. वो सिर्फ एक दिन के लिए जन्म लेता है लेकिन इतनी ब्यूटिफुली विथ ग्रेट स्प्लेंडर वो जीता है कि इसमें हमें सीखना चाहिए. सो वॉट इज द वेरी थिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस फ्लावर इज दैट वॉट इफ वी टू लिव्ड आर लाइफ हाउ एवर शॉर्ट इट इज इन इट्स फुलेस्ट. तो क्यों नहीं हम भी इसी तरीके से की जिंदगी जी सकते हैं, क्यों नहीं हम जी सकते नो. मीन्स हम बहुत बहुत बार ये कहते हैं कि आई एम गेटिंग बोर विद लाइफ, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, बहुत सारी बातें हम करते हैं. तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि वाई वी कुडंट लिव लाइफ एट इट्स फुलेस्ट. हम भी इसी फ्लावर की मीन इट इज़ व्हाट कॉल यू नो कपे डीएम कहते हैं इसको फ्रेंच में. कपे डीएम का मतलब होता है कि प्लग द फ्लावर व्हेन इट इज़ ब्लॉजमिंग, व्हेन इट इज़ ब्लूमिंग. उसी वक्त फूल को तोड़ लो जब वो महक रहा है, चहक रहा है. इसका मतलब जब आपके पास टाइम है, हमारे पास टाइम है, उसी वक्त इस वक्त को हमने पूरी तरीके से जीना चाहिए. वी मस्ट लिव द टाइम इन इट्स फुलेस्ट. दूसरा एक दूसरी एक बात यहाँ पर दी गई है, वी वेंट टू अ रॉकी बीच, यू नो रॉकी बीच पर जब हम जाते हैं, एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ मैजेस्टिक ओशन एंड द रॉक्स अलोंग साइड, कार्व्ड स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय वाटर. नो जब रॉकी बीच पर हम चले जाते हैं, नो यह है रॉकी बीच, और इस रॉकी बीच पर आप देख रहे हो नो बहुत सारे रॉक्स है और कुछ रॉक्स शेप्ड हुए है बाय द वाटर. तो वाटर इज सो जेंटल, रॉक सो हार्ड. वाटर बहुत ही जेंटल होता है एंड रॉक्स आर वेरी हार्ड. एंड इवन आफ्टर दैट वी फाइंड दैट वाटर टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स. मीन्स दिस रॉक्स, द हार्ड रॉक्स बिहेव अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ द वाटर. दो वाटर इज वेरी जेंटल, वेरी टेंडर, डेलिकेट वी कैन से, इसके बाद भी वाटर कमांड करता है रॉक को, हार्ड रॉक को, टू टेक द शेप एज सच. आवर प्रॉब्लम्स आर सो कलोजल एंड वी आर सो स्मॉल, येट इफ वी परसिस्ट, हमारे प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़े हैं. कलोजल, नो COLOSSAL, कलोजल मैसिव, ह्यूज, बिग. हमारी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी हैं लेकिन ये प्रॉब्लम बड़ी होने के बाद भी अगर हम इनके साथ लड़े तो वी कैन कमांड आवर प्रॉब्लम्स एंड वी कैन शेप देम.
वी कैन कमांड आवर लाइफ एंड वी कैन शेप इट. वी कैन कमांड द कैलेमिटीज एंड वी कैन मूव अहेड. इस तरीके से हमको सोचना चाहिए. अनदर इज द थिंग दैट बहुत बार आपने देखा होगा, मोस्टली नो यू मस्ट हैव सीन द बेयर ट्री. बेयर ट्री मिले तो जिसको कोई फूल नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई फूल नहीं है, फल नहीं है, जो ग्रीन नहीं है, पूरी तरीके से बेयर. इस ट्री को जब हम देखते तो हमेशा वैसा नहीं रहता है नो. ये ट्री फिर बाद में क्या होता है, बहरने लग जाता है, इसको बाहर आती है. इट बिकम्स ग्रीन विद द फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स. सो वो हमेशा नहीं रहती. कोई भी बात हमारी ज़िंदगी में हमेशा सूखे पेड़ की तरह नहीं रहती हैं. वो पेड़ जो होता है वो फिर से ग्रीन हो जाता है. हमें वेट करना चाहिए, पेशेंट रहना चाहिए नो. एक और रोमांटिक पोएट्री में एक बहुत ही अच्छी बात कही है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. विंटर इज फॉर सॉरो, बैड टाइम, एंड स्प्रिंग इज फॉर गुड टाइम, हैप्पीनेस. तो रोमांटिक पोएट ऐसे कह रहे हैं कि रोमांटिक पोएट मीन्स द नेचर पोएट पर्टिकुलरली. ओके, डोंट टेक रोमांटिक पोएट्स आर द पोएट्स दोज ओनली राइट द लव पोएट्री एज सच. पर्टिकुलरली द रोमांटिक पोएट्स राइट द नेचर पोएट्री, नो पोएम्स ऑन नेचर. तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो सूखा पेड़ होता है विंटर में सूख जाता है, लेकिन जैसे स्प्रिंग आता है तो क्या होता है, उस पेड़ को फिर से बहारें आने लग जाती हैं, वो फिर से ग्रीन होता है, फिर से फूलों से, पत्तों से और मस्त फ्रूट से खिल उठता है. सो इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. नो, वी मस्ट बी होपफुल, वी शुड नॉट गिव अप. हमने गिव अप नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए हमने बिल्कुल कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. वी मस्ट वेट फॉर द गुड टाइम, वी मस्ट वेट फॉर द स्प्रिंग एज सच. चौथी और एक बात बहुत ही अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर कही है, आपने एंट्स देखिए, ओके, एंट्स दे वेरी स्मॉल. और एक सीन आपको देखे ना, मेनी एंट्स समटाइम्स दे कैरी दे लग, LUGGING, लगिंग. They lug a fly which was at least 10 times the ant size. Ant से भी 10 गुना बड़ी होती है fly. लेकिन इस fly को miss बहुत ही कोशिश करके ये ants क्या करती है, खींचते चली जाती है. No, the ants lug a fly which was at least 10 times the ant's size as such. लेकिन वो बिल्कुल भी थकती नहीं है, वो पूरी तरीके से ताकत से अपना काम कर जाती हैं. एंड सच थिंग्स आर देयर, देयर टीम वर्क एंड प्रेजर्वरेंस वेर इम्प्रेसिव. यू नो, टीम वर्क उनका होता है और प्रेजर्वरेंस होता है, वेरी कॉन्स्टेंट एफर्ट्स दे टेक. टीम वर्क एंड प्रेजर्वरेंस ऑफ द एंट्स मेक देम स्ट्रॉन्ग एज सच. स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट yet very strong. A rainbow colors the entire sky. Oyster take a grain of sand, they open up with a pearl. Innumerable stars shine across the infinite sky. Clouds take new shapes with every passing moment. The wind makes trees dance with unhindered passion. Water, without hint of ego, changes its form according to the dictates of the sun and the wind. When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. We touch it and become gold ourselves. तो नेचर की तरफ जब हम देखने लग जाते हैं तो ये बहुत सारी जो खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर दी गई हैं, इन सारी खूबसूरत चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में अगर लेकर आते हैं तो our life can become a golden life as such. So that is the alchemy of nature. Because we are also directly the part of a nature. तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं नेचर की तरफ, अगर हमारा देखने का एक तरीका होता है, yes, we can persist. No, we can survive. We can live a happy life. You know, and we can learn a lot more things from nature. So ये बहुत ही खूबसूरत सी जो कहानी है, it's not exactly the कहानी, it's only the passage.
नो एन आर्टिकल ऑन द एल्केमी ऑफ नेचर। तो नेचर की मैजिकल पावर को जानकर समझकर हम भी इससे कुछ सीखेंगे और ज़रूर हमारी ज़िंदगी बेहतर कर लेंगे। सी डियर फ्रेंड्स, देर आर द ग्रेटेस्ट ह्यूमन वैल्यूज, आई रिएट्रेट, मैं फिर से कहता हूँ, द ग्रेटेस्ट ह्यूमन वैल्यूज गिवन इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, देन व्हाट्स ए स्टोरीज, पोएट्री, ड्रामा एंड ऑल द अदर थिंग्स। सो इंग्लिश कुमार भारती यह आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, आप इसको बिल्कुल अपने दिमाग में रखें और सीखें। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडीइंग।